हेलो व्यूअर्स, आपका दोस्त आपका होस्ट एस जामी एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर। करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साइड में मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि एंटरटेनमेंट और पवनदीप राजन से जुड़ी ताजा तरीन अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि के अवसर पर पवनदीप राजन की शानदार लाइव परफॉर्मेंस का जिक्र करेंगे, जिसने अपने मैजिक से लाखों व्यूअर्स को अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया। पवनदीप राजन की गायकी को बहुत जबरदस्त और मैजिकल करार दिया गया। महाशिवरात्रि भारत के चंद इंतहाई अहम त्योहारों में से एक त्योहार है, जिसमें रूहानियत और दिली सुकून तलाश किया जाता है। ये एक जश्न की तरह था जिसमें पवनदीप की परफॉर्मेंस ने चार चांद लगा दिए और महफिल लूट ली। इस फेस्टिवल की खास बात ये थी कि पवनदीप राजन के साथ गैर मुल्की म्यूजिशियन स्पेशली फ्रेंच बैंड को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इस लाइव परफॉर्मेंस का 1 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स ने मनोरंजन लिया और रूहानियत हासिल की। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि पवनदीप राजन महाशिवरात्रि के रंग में डूबे नजर आए। उनके जज्बात बहुत वाजे तौर पर उनकी रूहानियत में इन्वॉल्वमेंट का उनके चेहरे का बहुत जबरदस्त तरीके से साथ दे रहे थे। लाइव परफॉर्मेंस दिली इमोशंस और दिल से गायकी ने पवनदीप राजन को सबसे यूनिक बना दिया था। आगरा की ईशा फाउंडेशन में वाकया ईदी योगी रूहानियत की आजादी की अलामत करार दिया जाता है। 2023 में ये 1,40,00,000 से ज्यादा लाइव व्यूवर्स का देखे जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा लाइव परफॉर्मेंस वाला प्रोग्राम करार पाया था। ईशा फाउंडेशन में वाकया ईदी योगी रूहानियत की आजादी की अलामत करार दिया जाता है, सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम भी करार दिया जाता है। पवनदीप राजन ने महफिल ना सिर्फ महफिल लूटी बल्कि और लोगों ने पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया और वो पवनदीप की परफॉर्मेंस में डूबे नजर आए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।